सब्सक्राइब करें एनआईसीटी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें डेली जीएसटी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। एनआईसीटी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है उसमें आपके साथ एक छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे वीडियो को मैं हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको टेली की छोटी सी छोटी चीज़ जो आपके साथ शेयर करूं और आपको सिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे यूज़र को मैंने देखा हुआ कि टेली की बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका टेली में ट्रांजेक्शन करने में बहुत टाइम जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपका टाइम कम टाइम में आप टेली में किस तरीके से काम कर सको उसके रिलेटेड जो भी वीडियो मेरे से बनते हैं मैं बनाता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये भी एक वीडियो ऐसा ही है जिसमें मैं आपको डेट को किस तरीके से यूज़ करना है। जब हम लोग कोई भी परचेज सेल्स कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है, डेट चेंज करना होता है। लेकिन हम लोग डेट चेंज करने के टाइम पर क्या करते हैं कि अगर मुझे कोई भी डेट चेंज करना है, यहाँ पर अगर मैं डेट लेता हूँ मुझे 1 जुलाई 2017 टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर 1 जुलाई 2017 पूरा टाइप करूँगा, एंटर करूँगा। अगर मुझे डेट और चेंज करनी है 10 जुलाई करनी है तो इस तरीके से मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। ये बहुत सारे यूज़र को मैंने देखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्मार्ट है, जो मैं आज सिखाना जा रहा हूँ वो आपको पता होगा, लेकिन जो जो नए यूज़र है टेली में जो नए काम कर रहे हैं वो लोग यही करते हैं। तो इसी के लिए उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि आप इस वीडियो के थ्रू किस तरीके से टेली में स्मार्ट वर्क किया जाता है, किस तरीके से अपना टाइम बचाया जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा। तो ये एक चीज़ है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कौन से मंथ में आप काम कर रहे हो। जैसे कि ये मेरा अभी करंट जुलाई मंथ चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ये मेरा जुलाई मंथ है, तो अगर मुझे इसी मंथ में कंटिन्यू ट्रांजेक्शन करने हैं तो यहाँ पर मैं F2 करूँगा, यहाँ पे मैं 12 एंटर करूँगा तो वो जुलाई मंथ ही रहेगा, यहाँ पे मेरा मंथ चेंज नहीं होगा। अगर मुझे मंथ जब भी मुझे मंथ चेंज करना होगा तब मुझे यहाँ पे F2 के बाद 1 अगस्त मुझे करना है, तो यहाँ पे 1 8 तो ये अगस्त हो जाएगा। और जब भी मुझे ईयर अगर चेंज करना होगा तो उस टाइम पे मुझे F2 में 1 जनवरी 2018 मुझे इस तरीके से टाइप करना होगा, तब ये आपका ईयर भी चेंज हो, मंथ भी चेंज हो जाएगा और ईयर भी चेंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन करके देखते हैं, ठीक है। अभी मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊँगा तो मेरा ये जो मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन किया था F2 डेट चेंज करके जो मैंने ट्रांजेक्शन किया था वही आ रहा है। अगर मुझे बैक डेट में ट्रांजेक्शन करना है, मुझे मतलब दिसंबर में या नवंबर महीने में ट्रांजेक्शन करना है, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे 17, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मंथ भी चेंज हो गया, ईयर भी चेंज हो गया। हम लोग एक ट्रांजेक्शन करके देखते हैं, अभी मैं वापस अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे मंथ तो दिख ही रहा है। तो इस मंथ में ही मुझे और कोई ट्रांजेक्शन करने हैं तो मुझे पूरा मंथ और ईयर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे F2 प्रेस करना है 15, तो मंथ भी वही रहेगा ईयर भी वही रहेगा। तो इसके लिए आपको इतना टाइम देने की मतलब पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और भी मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा कि हम लोग जब भी F2 के बाद मंथ टाइप वगैरह करते तो आपको एक और भी शॉर्टकट है। अगर मुझे 1 अप्रैल टाइप करना है तो मैं यहाँ पे 1A टाइप करूँगा तो ये अप्रैल आ जाएगा। अगर मुझे 1 जनवरी करना है तो F2 1J1M मार्च 1JU जुलाई F2 1D दिसंबर। तो ये भी एक शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप टेली में डेट मंथ इजीली आप टाइप कर सकते हो, फास्ट वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ शेयर करना चाहता था। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो के थ्रू आपको अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और मेरे चैनल के थ्रू अगर आपको अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है और भी चीज़ अच्छी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी टेली में नए अपडेट्स
अच्छी चीज़ आते रहेंगे, मैं आपको साथ शेयर करता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नई टिप्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।